हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद निषाद और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रमोद में। और आज दोस्त हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीएस पर बात करने जा रहे हैं। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप लोग जाइए चैनल पर जाइए और वहां से आप लोग हर प्रैक्टिस सेट देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हमने किया है। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें टोटल प्रश्न कितने हैं, 20 प्रश्न हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपको 20+ क्वेश्चन यहाँ से कलेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए कहते हैं दोस्त, क्या असंभव है जगत में, क्या असंभव है जगत में आपके प्रयास से, क्या असंभव है इस जगत में आपके प्रयास से हर असंभव संभव बन जाता है, हर असंभव संभव बन जाता है अनवरत प्रयास से। तो आप लोगों अगर प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो कोई भी असंभव चीज़ है यकीन मानिए वह संभव जरूर होगा। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या है इसका राइट आंसर। कह रहा है क्वेश्चन में कहा गया है कि किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है। कौन से भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई की व्यवस्था बड़े लंबे समय से की जाती है, यह कौन सा राज्य है दोस्त? यह है दोस्त मेघालय। मेघालय राज्य है, मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था है। और मेघालय दोस्त 7 सहेलियों का जो राज्य है उसमें से एक है मेघालय। क्लियर है? तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मेघालय में कितनी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दोस्त? 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, याद रखिएगा, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया ये 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं मेघालय में, और ये तीनों जनजातियाँ भी मेघालय में पाई जाती हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है, मेघालय है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने है, इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है, कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है, यह आपको इसमें बताना है। तो डूरंड कप भारतीय फुटबॉल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, तो यही नहीं संबंधित है किससे, फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए डूरंड कप हो गया और यहाँ पर संतोष ट्रॉफी हो गया और फेडरेशन कप, ये तीनों के तीनों फुटबॉल से संबंधित हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी जो है वह आपका होता है क्रिकेट से संबंधित। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, रणजी ट्रॉफी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, पहले नंबर इसको आप पढ़िए क्या कहा गया है, इसको आप लोग पहले एक बार पढ़िए। कहा गया है कि 1985 ईस्वी में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया, 52वां संविधान संशोधन किया गया था और इस संविधान संशोधन में क्या सुधार किया गया था, यह आपको बताना है। बताइए 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में और इस संविधान संशोधन में क्या सुधार किया गया है। तो इसमें सुधार क्या किया गया है, इसमें दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया है, दल बदल विरोधी कानून इसमें शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है दल बदल विरोधी कानून, यह है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून। क्लियर है? 52वां संविधान संशोधन कब होता है, 1985 में। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, दल बदल 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, पहले नंबर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने को क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं, यानी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, उसको महाभियोग कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं दोस्त, महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने का मतलब उसको लतियाना होता है, मतलब समझिएगा, लतियाना मतलब महाभियोग हटाना। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटा सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, तो
तो हटाने के जो प्रस्ताव है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में करेंसी जो नोट है वह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत में दोस्त जितने भी नोट हैं, एक रुपए का नोट छोड़कर, उन सभी नोटों को जारी करने वाला कौन होता है, एक रुपए का नोट को छोड़ दीजिए, बाकी सभी नोट और सिक्कों को जारी करने वाला होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बाकी दोस्त एक रुपये का नोट को छोड़कर, यानी एक रुपये का जो नोट है, एक रुपये के नोट को कौन जारी करता है, एक रुपये का नोट किस कौन जारी करता है दोस्त, एक रुपये का नोट जारी करने वाला कौन है, वित्त मंत्रालय है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय एक रुपये का नोट जारी करता है, एक रुपये से ऊपर जितने भी नोट हैं, सिक्के हैं, उन सभी को जारी करने वाला कौन है, RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर छठा दिया गया है, कनिसाल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। कनिसाल की अगर बात किया जाए तो यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो यह देखिए संबंधित किससे है, जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित है कनिसाल, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो यह किसके विरुद्ध, किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर डी 23 से 24। क्लियर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। देखिए जो ज़्यादा गुणवत्ता वाला कोयला होगा वह कैसे माना जाएगा ज़्यादा गुणवत्ता वाला है, उसके अंदर कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा, कार्बन ज़्यादा ज़्यादा गुणवत्ता, कार्बन कम कम गुणवत्ता। ठीक है, तो जिसके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी उसका गुण भी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा उच्चतम गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है, यह होता है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो यह अच्छे किस्म की कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला को। तो ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधी वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। कौन सी संस्था है जो उष्णकटिबंधी वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है, यह आपको बताना है। बताइए ये कौन सी संस्था है। देखिए दोस्त, यह संस्था का नाम है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं दोस्त, चलिएगा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 4 को आप लोग ध्यान से पढ़िए दोस्त, प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया, सॉरी प्रश्न नंबर 10 में आप यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिएगा क्या कह रहा है इसमें, इसमें कहा है निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कलानुक्रम लगाइए। ऐतिहासिक जो घटना हुआ है इसका सही कलानुक्रम क्या होगा, इसको आपको बताना है। चलिएगा इस देखते हैं यहाँ पर, नील की खेती कब हुआ था दोस्त, नील की खेती की के लिए संरक्षण सत्याग्रह, सॉरी नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह हुआ था दोस्त 1917 में। तो 1917 यहाँ पर हो जाएगा, 1917 हो जाएगा। और यहीं अगर बात करते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब होता है दोस्त, तो यह होता है 1920 में, 1920 में। और रोलेक्ट एक्ट कब आता है, रोलेक्ट एक्ट 1919 में आता है, रोलेक्ट एक्ट 1919 में। और साइमन कमीशन भारत में कब आया था, साइमन कमीशन भारत में आया था दोस्त कब, 1928 में, 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था।
तो आपको क्या बताना है सही कालानुक्रम, यानी सबसे पहले क्या आया था, क्या हुआ था सबसे पहले घटना, नील की खेती, यानी एक नंबर पहले होगा। 1917 के बाद 19 पे आएंगे, एक के बाद तीन हो जाएगा, उसके बाद 1920 असहयोग आंदोलन, तीन के बाद दो, उसके बाद चार, 1 3 2 4 इसका राइट आंसर होगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग का जनक के रूप में जाना जाता है, भारतीय फिल्म उद्योग का जनक किसे कहते हैं, यानी किसको जाना जाता है, यह जाना जाता है किसे, दादा साहब फाल्के को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है, यह आपको बताना है, उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जा सकता है, यह आपको क्या करना है, बताना है। तो बताइए दोस्त, किस पर लगाया जा सकता है उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जा सकता है, तो यह लगाया जाता है किस पर, निर्मित उत्पाद पर, जो भारत के अंदर निर्मित हैं वस्तुएं उन पर यह शुल्क लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है और इसका जवाब आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि दोस्त, मेटूर बांध है किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है, मेटूर बांध किस नदी पर बना है और यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त, मेटूर बांध कहाँ पर बना हुआ है, सबसे पहले यह जानिए मेटूर बांध कहाँ पर बना हुआ है, किस राज्य में है। अगर मेटूर बांध की बात किया जाए दोस्त, तो मेटूर बांध किस पे बना है, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, इस बात को याद रखिएगा, मेटूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, और कावेरी नदी किस राज्य में, तो बताएंगे तमिलनाडु में, कावेरी नदी तमिलनाडु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए, केलों का रंग भूरा हो जाता है क्यों, क्या कारण है कि केला का रंग भूरा हो जाता है, क्या कारण है दोस्त, केला का रंग भूरा हो जाता है, बताइए क्या कारण है कि केला का रंग भूरा हो जाता है। दोस्त, जब केला पकता है तो जो इसके अंदर एसिटिलीन गैस होता है उसका उत्सर्जन होता है और उत्सर्जन होने के कारण केला का रंग पीला होने लगता है। ठीक है, केला का रंग पीला कब होता है, इसके अंदर से एसिटिलीन गैस उत्सर्जित होता है और इस कारण से केला का रंग दोस्त पीला हो जाता है। तो केले में क्या होता है, केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है, हवा के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो वह भूरा होने लगता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, चलिएगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब जरूर बताइए क्या है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, चलिए भैया इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है इसका राइट आंसर। काजीरंगा दोस्त की बात करते हैं, अगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक, एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है यहाँ पर, इसी के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस राज्य में है, यह है असम में, असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, प्रश्न नंबर 16 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके सामने है, क्या दिया गया है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी। तो दोस्त, पुरंदर की संधि की अगर बात किया जाए तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था, यह हुआ था मुगल और मराठा के बीच में, किसके किसके बीच, मुगल और मराठा के बीच में, तो मुगल और मराठा इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए।
पुरंदर संधि की बात करें अगर दोस्त, पुरंदर संधि कब हुआ था तो याद रखिएगा दोस्त, पुरंदर संधि कब हुआ था, 1665 ईस्वी में हुआ था पुरंदर की संधि, किसके किसके बीच, मुगल और मराठा के बीच। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में क्या कह रहा है एक बार पढ़ लीजिए, किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। एक त्यौहार है दोस्त हार्नबिल त्यौहार, तो इस यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है यह आपसे पूछा गया है। हार्नबिल त्यौहार की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड में हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या चीज कह रहा है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है। दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है वह दांत, स्कर्वी रोग में क्या होता है, किस विटामिन की कमी से, तो यह होता है दोस्त विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की अगर शरीर में कमी हो गया तो स्कर्वी रोग हो जाती है। ठीक, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है दोस्त, तो इसको याद रखिएगा, विटामिन सी, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कार्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कार्बिक एसिड। क्या होता है दोस्त, एस्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक सूत्र नाम होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम यही बात करें दोस्तों विटामिन ए का, विटामिन ए के बारे में अगर बात किया जाए तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और विटामिन इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, खून का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य के शरीर में जो भी जीव हैं उनके शरीर में जो खून दौड़ रहा होता है वह थक्का नहीं जमता है। किस मतलब कहीं कट पिट जाता है तो देखते हैं, कभी कट जाता है तो जल्दी से किसी का खून बंद नहीं होता है, क्योंकि रक्त थक्का नहीं बना पाता है। किस लिए, क्योंकि उसके अंदर विटामिन के की होती है कमी। तो विटामिन के की कमी हुआ, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। भारत सरकार ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है यह आपको यहाँ पर बताना है। भारत सरकार ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है यह आपको बताना है। दोस्तों यह शास्त्रीय भाषा की अगर बात किया जाए तो यह भाषा है ओड़िया भाषा जो है यह शास्त्रीय भाषा में घोषित किया गया है। यह शास्त्रीय भाषा है और कब से घोषित किया गया है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यह घोषित किया गया है कब से, 2014 से। कब से दोस्त, 2014 से उड़िया भी शास्त्रीय भाषा बन गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न यहां पर आपके सामने है और यही लास्ट प्रश्न है। आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों के जवाब आपने दिए हैं जो कि सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर यहाँ पर आपके सामने, एक बार आप लोग इसको करिए। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक का लेखक कौन है यह आपको बताना है। तो इसके लेखक कौन है दोस्त, इसके लेखक हैं मनमोहन सिंह। कौन है, मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ए पर लिख दिया गया है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर है, तो यहाँ पर दिया गया है मनमोहन सिंह, यही मनमोहन सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्त, तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन को कलेक्शन। इस 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का जवाब दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हम आगे मिलेंगे एक नए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। यकीन मानिए दोस्त, आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो इस सेट में हमने कराया है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, प्रैक्टिस सेट जब देंगे, तो आप खुद जान जाएंगे कि जो क्वेश्चन आपके सामने हैं वह कहाँ से आ रहे हैं।
तो विश्वास के साथ हमारे साथ बनिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।